हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज की जो वीडियो है वह है इस सेट ऑफ बॉक्स रिमोट कंट्रोल के रिपेयर करने की है, जो कि यह रिमोट कंट्रोलर वर्क नहीं कर रहा है। तो हम इस रिमोट कंट्रोल चेक करने वाले सेंसर में सबसे पहले इसे टेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा ओके वाला डीडी फ्रेश फ्री डिश का रिमोट कंट्रोलर है, जो कि सही है और वर्क कर रहा है। पर यही रिमोट जो डिजिटल सेट टॉप बॉक्स का है, जिसका कि कोई भी बटन हम जब प्रेस करते हैं तो यह कार्य नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके पीछे वाला कवर निकालते हैं और इसमें लगी हुई बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम इसको ओपन करते हैं तो एक पेचकस की सहायता से हम इस प्रकार सावधानी पूर्वक इसे ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें यह इसकी आईसी होती है, जो कि चेंज नहीं की जा सकती है। पर इसमें यह एलईडी सेंसर लगा होता है, जिसे कि चेंज भी किया जा सकता है और उसको सोल्डरिंग भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शनों को चेक करते हैं तो यह सही है, और इस एलईडी सेंसर को चेक करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसका जो सोल्डर है वह निकल गया है। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी प्रिंट को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, और साफ करने के बाद हम इस प्रिंट को सोल्डर आयरन की मदद से इसमें हम अच्छी तरह सोल्डरिंग कर देते हैं। यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम सोल्डरिंग करने के बाद इसे फिर उसी प्रकार सावधानी पूर्वक रिमोट कवर में सेट करते हैं। इसमें कोई भी रिमोट हो, ज़्यादा रिपेयर करने की गुंजाइश नहीं होती है। पर यदि उसका शोल्डर निकल जाता है या प्रिंट ब्रेक हो जाती है तो उसे रिपेयर किया जा सकता है। अब हम इसमें बैटरी लगा देते हैं। बैटरी में प्लस और माइनस रहता है, जिसको कि सही प्रकार से लगाया जाता है। और अब देखिए दोस्तों, हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो यह हमारा रिमोट कंट्रोलर वर्क करने लगा है, और इसमें से रिमोट सेंसर में से आवाज़ आने लगी है। तो इस प्रकार हम किसी भी रिमोट कंट्रोल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अब हम
रिमोट कंट्रोल चेक करने की दूसरी विधि को बताते हैं। आप किसी भी मोबाइल कैमरे को ऑन कीजिए और रिमोट को किसी भी बटन को प्रेस कीजिए तो यह देखिए दोस्तों, यह एलईडी बल्ब ब्लिंकिंग करने लगता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा रिमोट वर्क कर रहा है और ओके है। तो हम आसानी से किसी भी रिमोट को टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो इतनी ही थी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।